ही गाइस, कुछ दिन पहले मैं चिकन दो प्याज़ा बनाई थी, तो मैं सोची आज आप लोग के साथ मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने लिया था 800 ग्राम ऑफ चिकन, जिसको मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, विनेगर और सॉल्ट के साथ मैरिनेट किया था। आपको मेजरमेंट स्क्रीन में दिख जाएगा। फिर मैं 3 टोमेटो और 3 चिली का पेस्ट बनाई। फिर मैं 1 कप दही ली, जिसको मैंने रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, क्यूमिन और कोरिएंडर पाउडर के साथ मिक्स करके रखा था। प्याज को दो तरीके से काटना है, एकदम बारीक चॉप करके और क्यूब करके, इसीलिए इसको दो प्याज़ा कहते हैं। तो फिर मैंने पैन को गरम किया, उसमें मैंने डाला रिफाइंड ऑयल। आप 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डाल दो, फिर प्याज डाल दो। जब वो ब्राउन होने लगे, उसमें डाल दो जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, इस जिंजर गार्लिक पेस्ट का, ये ऑब्वियसली बाय किया हुआ है। फिर मैं टमाटो पेस्ट डाल दी। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट घर में भी बना सकते हो। टमाटो पेस्ट को अच्छे से फ्राई करना है और उसमें डालना है सॉल्ट स्वाद अनुसार। जब ये तेल छोड़ने लगे ऐसे, फिर आपको इसमें दही डाल देना है एंड फिर अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये दोबारा तेल छोड़ने लगे। सो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जब ये कुछ ऐसा दिखने लगे, इसमें आपको डाल देना है सारे मैरिनेटेड चिकन। चिकन को 1 घंटा मैरिनेट करके रखना है। तो इसको रख के फिर आपको अच्छे से बना लेना है, फ्राई कर लेना है। आपको अगर लगे कि पानी कम है तो पानी ऐड करना है, नहीं तो आपको, मेरा दही से पानी छोड़ रहा था तो मैंने पानी ऐड नहीं किया। फिर 15 मिनट इसको लो फ्लेम में ढक के रखना है, जब ये मसालेदार दिखने लगे। फिर लास्ट में ये क्यूब्ड जो अनियन है उसको भी डाल देना है। फिर आपको डाल देना है 1/2 ग्लास पानी एंड उसको फिर से फ्राई करना है जबकि प्याज जो है ब्राउन होने लगे। एंड लास्ट में कसूरी मेथी ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेना कुछ देर के लिए, जबकि आपका चिकन कुछ ऐसा दिखने लगे, एकदम मसालेदार। सो ये था रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।